और अगर किसी को कंट्री अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है वो, भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से ब्रिक्स की जरूरत को लेकर सवाल पूछ लिया गया और जवाब डॉक्टर जयशंकर का ऐसा था कि वहां बैठे सब की बोलती बंद हो गई। The BRICS. Why this club? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. इंडिया ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, खास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्हें खातर खा अप्रिशिएशन नहीं मिली, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मिली नहीं तो ये भी ठीक होगा। यूरोप के अंदर जेनोवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ करूं कि इमरान खान यहां पर 6-7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जरूरत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत वाज़े और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को जाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर एस जयशंकर से, बहुत ज़्यादा सीनियर है। और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ करूं कि इमरान खान यहां पर 6-7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जरूरत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे, ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना, उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं, वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को कंट्री अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है वो, भाई मुँह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए
जो जो अच्छी कंट्रीज हैं जिनको पता है कि हमने यहाँ इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे सुपर पावर, बिकाऊ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है, क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है? ये नहीं, वो उनकी जो ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद इसलिए उन्हें अप्रिशिएट। हम लॉबिंग कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये साजिश है। नहीं, साजिश तो नहीं कहना चाहिए, ये तो मतलब कि सारी दुनिया का प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आप जितने इंटरनेशनल विजिट्स करेंगे, जितनी प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाएंगे, जितना इसको मौसर बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया, अजीत डोवाल साहब का आज मास्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स में ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइंस। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, और दर हकीकत अजीत डोवाल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग, वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए, और ये नई नहीं है, आज इसको मीडिया ज्यादा उठा रहा है। हसीना वाजिद के दौर के अंदर भी ये पाबंदियां मौजूद थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहां पे इस फेस्टिवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक फिश को पकाया जाता है अपने कुजीन, बंगाली कुजीन में, जिसको पद्मा कुल्सा हिलसा कहा जाता है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पर पाबंदी लगा। दूसरा एक वहां पे एक वार ट्रिब्यूनल है, उसने हसीना वाजिद का, उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मजीद दिन ब दिन उनके ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन क्यों होता है या फिर ब्रिक्स की जरूरत ही क्यों है, इस तरीके के सवाल पश्चिमी देशों की तरफ से खूब पूछे जाते हैं, और इस बार भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की जरूरत को लेकर ऐसा जवाब दिया कि पश्चिमी देश दोबारा ये सवाल उठाने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। The BRICS. Why this club? And do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know.